गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। सुबह के 7 के करीब का टाइम हो चुका, 6 बजे उठ कर थोड़ी वीडियो एडिट करना रह गया था, वो करने लग गया था। तो फिलहाल अभी ना मैं बाहर गया, बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत बना हुआ ना, तो आपको पहले बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। और मनी भाई अभी सो रहा है, थोड़ा अंदर कम ही बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बाहर चलता हूँ तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो ये लो जी भाई साहब, भाई गुड मॉर्निंग जी। जी भैया पहले खड़े है बाहर आके, ठंड नहीं लग रही चप्पल नहीं भैया? ठीक है भाई, बहुत वधिया भाई, बड़ी धुप के आनंद ले रहे हैं भाई, धूप के आनंद ले रहे हैं भैया। सूर्यदेव तो निकल चुके हैं और भाई बारिश होने के बाद जो खूबसूरत सुहावना मौसम हो जाता है ना, अलग ही नजारे हैं। और सामने ना पहाड़ दिख रहे हैं भाई, कितों आने भाजी पहाड़ हो? तलवाड़े के पहाड़ है, आपको शायद दिखाई नहीं देंगे, वो हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं मौसम साफ होने की वजह से। और इधर ना हाई वोल्टेज के तार है, इनमें से ना अलग से आवाज आ रही है इतनी दूर से, ऐसे लग रहा है यहीं से खींच लेंगी है ना भाजी, ऐसे लग रहा ना। और भाई साहब ये इधर का बाग बगीचा, ये बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है ना, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर आपको अंदर से भी दिखाएंगे, बड़ा खूबसूरत और अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये सुबह सुबह खूबसूरत नजारा है, ओस पड़ी हुई है भाई, ठंडक महसूस हो रही है। और रात ठंड तो बहुत ज्यादा थी। वो भैया का गांव सामने देखो कितनी आस पास ही है, इस गांव का नाम है जी बड़चूही है ना, ते और भाई के गांव का नाम है जी रामपुर है भाई, राजपुर साथियां बिल्कुल, कितना 100-150 मीटर ही बस है ना भाई, बड़े पास पास लड़ाई तो नहीं होती तो फिर पूछ रहा मैं क्या भाई है ना, साथ में नजदीक ही है ठीक है। फिलहाल ऐसा कुछ नजारा सुबह सुबह का, तो मैंने सोचा व्यू अच्छा है सुबह सुबह दिखा देते, सुबह सुबह वीडियो की शुरुआत हो जाए ना तो दिन अच्छा निकल जाता है ठीक है। भाई लोग इधर सोए थे, एक भैया और है वो भी भैया के साथ ही सो रखे थे। और इधर से ऐसा कुछ गेहूँ का नज़ारा दिखा देते हैं भाई, गेहूँ की फसलें अब बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, ये तो बिल्कुल बिछ चुकी है। अब पता क्या होएगा, ये गेहूं की फसल इसमें पानी रुका, अब धूप निकलेगी गर्मी होगी ना तो वो गलनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ी देर में नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होंगे उसके बाद निकल जाएंगे अपने रास्ते पर। टाइम हो चुका है 9:27, सामान सारा पैक है, सारा रेडी हो चुका है, मनी भाई का थोड़ा रह चुका है और अपने कुछ और भाई दोस्त भी है। भाई सत श्री अकाल, नाम की भाजी? अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह भाजी तड्डा भी, मेरा परमजीत सिंह। परमजीत सिंह तो ये भी भैया के साथ ही थे यहाँ पर। तो ठीक है, अभी ना जाते जाते थोड़ा सा ना मंदिर का टूर करवा देते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। गर्मी बहुत ही तीखे वाली हो चुकी है, आज पता लगे असली राइड का, कल ठंड लग रही थी आज गर्मी लगी बहुत ज़्यादा। चलते हैं मंदिर दिखाते हैं। तो ये जी मंदिर का मेन गेट, यहाँ से एंट्री होती सामने आपको ये 5 बाबा जी के दरबार बने दिखाई देंगे, सभी भगवान के अंदर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और ये सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। और दूने वाले कमरे, ये बाबा जी का दूने वाला कमरा है, ऐसा कुछ माहौल है। और बाकी ऊपर जाके दिखाते हैं, यहाँ से चढ़ते ही ना सामने है जी लंगर हाल। सत श्री अकाल जी सारे नूं जी। तो ये यहाँ पर सेवादार सेवा करे, लंगर हाल है जी इधर, काफ़ी बड़ा काफ़ी खूबसूरत। और इधर भी एक बाबा जी का दरबार बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत और साफ सुथरा बना रखा है, मतलब ये शीशे लगा रखे हैं, पंखा लगा हुआ है और ऐसा कुछ माहौल है इधर का। ऊपर जाके अपना रूम था जहाँ से सुबह मैंने आपको दिखाया है ठीक है। ये था जी इस मंदिर का टूर जहाँ पर हम रुके थे, अभी चलते हैं बस। लो जी जाने का टाइम आ चुका है, सब कुछ रेडी है ठीक है भाजी, मिलेंगे फिर कभी जरूर भाजी। भाजी ठीक है, चलते हैं अब लो जी। ये है जी पंजाब के खूबसूरत से छोटे छोटे गांव जहां पर आज रुके थे, क्या नाम है? बड़चूही भूल जाते नाम ही ऐसे हैं। लो जी ये है जी आलू की खेती, और ये जो गांव की दिनचर्या होती है ना सुबह सुबह पशुओं के लिए चारा काटा जा रहा है। और एक इधर डोगी रस्ते में बैठा अपने, और ये इधर है जी गन्ने के खेत, और ये आगे लेफ्ट साइड हरी हरी खेती है जी कॉर्न्स की, मतलब मक्का के खेत, मक्की मक्का दोनों ही होते हैं, मक्का मोटा होता है मक्की उसकी छोटी बहन होती है। तो कैसा महसूस हो रहा आज, मौसम अच्छा खुल चुका है? आज पहुंचाएंगे सीधा कश्मीर शॉर्टकट
लो जी रस्ते पर पानी पानी रुका हुआ दोनों साइड, टूटी सी सड़क है। लोकल गांव की सड़कें ऐसी होती हैं भाई। तो अभी यहाँ से पठानकोट की दूरी 85 किलोमीटर बनी भाई। उधर नहीं नहीं इधर चलते, इधर नहीं ऊपर वो नहीं है ना, होगा यार ऊपर चढ़ने का रास्ता भी। चलें चल चल इधर ही चलते हैं भाई। उस रास्ते आए थे ना, तो अब इस रास्ते जाके देखते हैं, सीधा शॉर्टकट लग रहा है। तो एक कन्फ्यूजन लग रही थी कि आगे साथ में ना सर्विस रोड है या नहीं है, बट मनी बोरा है मेरे को लग नहीं रहा, चलते हैं। तो लो जी इस तरफ तो है नहीं है सर्विस रोड, परली तरफ है भाई राइट साइड, तो मनी ने पूछ लिया शायद किसी को। लो जी मिल चुका है, बट आगे से ना हमें क्रॉस कराना पड़ेगा रॉन्ग साइड, डिवाइडर क्रॉस करा के फिर परली तरफ जाना पड़ेगा जो अपने वाली लाइन है। ये आ गया जी मेन हाईवे पठानकोट जलंधर वाला। और भाई मेन बात अच्छी हो गया, सामने कट भी है लेफ्ट साइड जाने का, मतलब अपने वाले रास्ते पर जाने का, नहीं तो यहाँ से क्रॉस कराना पड़ता उठा के इसके ऊपर से। तो लिया जा रहा अभी अपना लेफ्ट टर्न, और पीछे भी देख लेते कुछ हाथ तो नहीं रहा। तो ठीक है अभी आ चुके अपने मेन हाईवे पर, अब हमारा रास्ता सीधा ही सीधा है पठानकोट की तरफ 85 किलोमीटर, अब 83 रह चुका होगा। टाइम हो चुका 10:30 बजे के करीब का, लगभग 13-14 किलोमीटर सफ़र निकालने के बाद एक ढाबा मिल चुका है, और भूख भी लग चुकी है क्योंकि साइकिल चलाने के बाद भूख ऑटोमेटिक लग भी जाती है, अगर ना भी लगी हो ना थोड़ा चला लो भूख लग जाएगी। तो अभी यहाँ से पठानकोट 71 किलोमीटर रह चुका है, अभी खाना खाते हैं यार पहले, फिर बाकी की बातें बाद में। इधर अपने साइकिल स्टैंड कर दिए भाई। लो जी खाना आ चुका अपना सुबह सुबह का, बाल्टी भर के अभी परात भर के रोटियां और आएंगी ना मनी भाई क्या हो गया वो धुआं पड़ रहा है ना आंखों में, मेरी भी होगी ऐसी भाई। वो तंदूर का तो नहीं पता, नहीं तड़का वगैरह लगाया ना उसका धुआं आंखों में पड़ा ना, तो आंखें जलन करने लगी हैं। ठीक है फिलहाल खाना आ चुका, खाना खाते हैं। अभी हमें टांडा के आसपास, आगे थोड़ी दूर पर टांडा सिटी है, टांडा शहर है, गाँव का शहर है टांडा, छोटा गाँव छोटा सा टाउन ही है। और उससे पहले ढाबा मिल गया, ढाबे पर खाना खाने रुके हैं, फिलहाल खाना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं अपने सफरों पर। और हम पठानकोट से इस बार जम्मू की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पठानकोट से मिनी गोवा की तरफ, शायद जानते होंगे आसपास के लोग, फिलहाल जाएंगे ना तब वो दिखाएंगे, फिर आप सभी देख लेना। लो जी खाना पीना खा के बढ़िया वाला, अभी निकल चुके अपने सफर पर, और आज हमने डिसाइड किया पठानकोट पहुँचना है 71 किलोमीटर, अब 70 रह चुका होगा, शाम तक पहुंच जाएंगे। आज सफ़र ज़्यादा निकालेंगे, चलते रहेंगे, रेस्ट थोड़ा कम कर लेंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कल को पहाड़ों के दर्शन हो ही जाएं, और धीरे धीरे अब यहाँ पर गर्मी भी बढ़ने लग जाएगी ना, क्योंकि बारिश होने के कारण ही ठंड थी, वैसे तो गर्मी का टाइम आ चुका है। तो हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी पहाड़ों में एंटर हो जाएं, और वहाँ पर ठंडा ठंडा मौसम होगा, और आगे जाकर तो स्नो ही मिलनी है, इस बार थोड़ा जल्दी है ना। तो ठीक है फिलहाल अभी टांडा क्रॉस कर रहे हैं, टांडे का ब्रिज है ये, उसके ऊपर चढ़े जा रहे हैं, मजा आ रहा है सफर में बहुत ही ज्यादा इस बार। ओ भाई साहब किसी ने ना ओरिजिनल वाली गाड़ी ऊपर लगा रखी है, वैसे कई तो शकीन के तौर पर ना नकली पत्थर की बना के लगाते, ये असली वाली है भाई, ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल वाली भाई क्या क्या शौक है लोगों के यार। दसुआ यहाँ से 2-3 किलोमीटर रह चुका, टांडा हमने क्रॉस कर लिया, और रास्ते में जाते जाते ना भाई इतने सहतूत के पेड़ पौधे मैंने पहली बार देखे हैं किसी रास्ते पर। ये सहतूत का पेड़ है, तूत भी बोलते हैं सहतूत भी बोलते हैं इस पे ना, ये फल लगा होता है, दिखाता हूँ मैं आपको, पहले ही ना ग्लव्स रख लूँ थोड़े परेशान कर रहे हैं, ये फल लगा होता है इसको, ऐसे नहीं ये वाला फल होता है, तोड़ो बड़ा टेस्टी होता है, खट्टा मीठा सा, ये जो ब्लैक ब्लैक होता ना ये और भी ये मीठा हो जाता है, जो थोड़ा रेड रहता है वो खट्टा मीठा रहता है, मतलब खट्टा खट्टा रहता है, बड़ा टेस्टी लगता है, और काफ़ी लोग ना रुक रुक के ऐसे ही खाए जा रहे साइड में तोड़ तोड़ के, ये फ्री का फल है भाई, तभी तो लोग खाते नहीं हैं, बाकी प्रोटीन वगैरह सब कुछ में फूल होता है भरपूर मात्रा में। तो अभी थोड़े थोड़े खाते हैं पके पके से ढूंढ कर, और ये देखो भाई देख सकते ना फ्री का फल है, बिल्कुल फ्री का, सड़क किनारे, तभी कदर नहीं है बिल्कुल भी इसकी,
बहुत ही मीठा भाई, और दूसरे वाला खट्टा हो जा रहा है। तो अभी चलते हैं दसुआ में, कोई सब्सक्राइबर भैया अपना वेट कर रहा है, और पीछे मुकेरी ना पीछे टांडा में भी एक सब्सक्राइबर भैया तो नहीं मिले, उनके पिताजी मिले थे और उनके बच्चे थे, वो भी काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे थे मनी भैया को, तो वो मिले थे, उन्होंने कुछ खाने पीने के लिए सामान दे दिया। तो अभी जो आगे वाले मतलब अपनी वेट कर रहे हैं उनसे मिलते जाके। वाह जी वाह, सत श्री अकाल जी, वीर जी मैं अभी ना आपको बता रहा सब्सक्राइबर भैया बहुत मिलते हैं। तो भैया आपने का ढूंढते ढूंढते भाजी कितों धारीवाल गुरदास किलोमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब पता लग गया इतने पहुंच गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी बहुत वधिया लगा, वधिया तो ठीक है। अभी बाइक के साथ बैठते हैं थोड़ी देर, बैठे क्या अभी मनी भाई आगे जा रहे हैं, आगे ही चलते हैं वहाँ पर साथ में बैठेंगे, आगे भैया इंतजार कर रहे हैं, तो वही पर ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। तूत दिखा रहा हाँ गोला तूत, मैं फ्रीज का खाले कदर नहीं करते, बाकी जीते हुई है, तो ठीक है अभी चलते आगे। मुकेरिया रह गई यहाँ से 16 किलोमीटर और 40 किलोमीटर गुरदासपुर, पठानकोट 56 किलोमीटर, तो 56 किलोमीटर निकाल जाएंगे। तो अभी हम पहुँच चुके दसुआ में, दसुआ है, ऐसा ही है कई बार नाम है ना गरारी अटकने लग जाती है। तो दसुआ में एंटर हो चुके हैं, और सामने अपने जो सब्सक्राइबर भैया मिले थे ना, वो मनी भाई को रोक के खड़े हुए हैं, तो अभी उनके पास रुकते हैं, बातें चीतें करते हैं, और फिर निकलते हैं हमने सफर की तरफ। दसुआ पहुंच, दसुआ है ना, तो भाई दसुआ है, एक पीछे ना बोर्ड लगा हुआ है, मेरे को लगता है पंजाब वालों को बजट कम है, उसमें सुहा सुहा लिखा रह गया, आगे डी वाला एरिया कट गया है, तो हर बार मैं देखता हूँ, पिछली बार भी ऐसा था, इस बार भी ऐसा ही है, तो शायद बजट कम है, यही चक्कर हो सकता है ना भाजी। ठीक है अभी यहाँ पर भैया के साथ नारियल पानी पी रहे हैं भाजी। तो सामने है जी दसुआ का रेलवे स्टेशन, तो ट्रेनें बार बार यहाँ से जा रही है, बहुत ज्यादा सर्विस है ट्रेनों की भाई इस रूट पर ना भाजी, बढ़िया ट्रेन चलिए जगिंदर नगर वालू याद ही पठानकोट चल रही है ना, आप जगिंदर नगर नहीं आ रहे, पिछली बार जो तो आए तो लद्दाख तो वापस आए हैं जगिंदर, तो ठीक है उसमें भी देखेंगे, ट्रैवल कभी करेंगे, जोगिंदर नगर तक जाती है टॉय ट्रेन, बाकी काफी टॉय ट्रेन देखी है, ट्रैवल किसी में नहीं किया, हर बार बोल देते हैं, बाकी कोई ना कभी करेंगे। ठीक है फिलहाल नारियल पानी पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने सफर पर, 55 किलोमीटर रह गया पठानकोट, 3:30 का टाइम हो चुका, मुकेरियाँ अभी पहुंचे हैं भाई, और यहाँ से सफर हमारा लगभग अभी पड़ा है जी, कितना होगा मेरे हिसाब से होगा पठानकोट यहाँ से कितना होना पठानकोट भाई, ये तो 35 किलोमीटर होगा भाई, और शाम तक पहुंचना है, और लगभग हमने सफ़र निकाल दिया अभी तक 35-40 किलोमीटर निकाल, हाँ 40 के करीब निकाल दिया है, क्योंकि 86 किलोमीटर था वहाँ से पठानकोट, तो हाफ तो निकल गया, हाफ देखते हैं भाई कितने बजे तक निकलता है, पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते जैसा भी होगा आपको बताते चले जाएंगे। फिलहाल भाई लोग अपने साथ ही जा रहे हैं मुकेरिया तक, मुकेरिया तक क्या मुकेरिया तो ताटा किधर है, कितनी दूर है गाँव यहाँ से, तो भाई लोग 40 किलोमीटर से मिल रहे, 40 और 10 किलोमीटर इधर गए ना, 50 किलोमीटर तक भाई लोग ना हमें मिलने उधर चले गए, पर अभी साथ साथ मुकेरिया आ रहे, मुकेरिया से लेफ्ट साइड टर्न हो जाएंगे, इनका रास्ता इधर की तरफ है, तो ठीक है फिलहाल अपना सफर चले जा रहा है, आज थोड़ा पता लग रहा सफर का, गर्मी हो गई ना, पसीना भी अच्छे तरीके से आ रहा है भाई। 4 बज चुके हैं जी, मुकेरिया क्रॉस कर लिया, पठानकोट 36 किलोमीटर रह चुका है, मतलब हमने 50 किलोमीटर सफ़र कवर कर लिया सुबह से अब तक, 4:30 हो चुके हैं, चाय पी लिया, रेस्ट कर लिया, अब निकलते हैं वापस फिर अपने सफ़र पर, और अब तो सफ़र थोड़ा ज़्यादा निकालना पड़ रहा है भाई, अब थकावट महसूस हो रही है, हो रही है मनी भाई, थोड़ी थोड़ी थकावट महसूस हो रही है, सफ़र लंबा है, अभी कितना 50 हो है, 40 नहीं 86 था वहाँ से, शायद 5-7 छोड़ देंगे, 25-30 निकाल लेंगे, आ जाना, साइकिल चला रहे हैं उतनी ज्यादा भूख लग रही है। वाह जी वाह, तो ठीक है अभी कुछ खाया जाए हल्का फुल्का, उसके बाद फिर निकलते हैं। तो जी बात ऐसे है, चलते चलते
तूतिया खाने का मन हो गया। तूतिया मतलब सहतूत भी बोल देने ना इनू। हाँ वही जो मैं पीछे खा रहा था, मनी भाई का मन हो चुका सहतूत खाने का। तो अभी रुकते हैं, थोड़ी थोड़ी खाते हैं। पीछे मैं खा रहा था ना तो सब्सक्राइबर भाई आ गए, तो फिर इतने अच्छे तरीके से खा नहीं सका। अब खाते हैं भाई तूतिया सहतूत। तो जी बैठ कर अभी तूतियां खाई जा रही हैं, और हाथों का रंग देखो भाई, इनका रस निकल निकल के ना कैसे गुलाबी गुलाबी लाल लाल से हो चुके हैं। इतनी ज्यादा पक चुके को खाता तो है नहीं है, माड़ा सा हाथ लगाओ ना टहनी को गिर जाती है नीचे, ऐसा हाल हो रखा है। फ्री की चीज ऐसी होती है, और बाकी क्या पता कितने पौष्टिक तत्व होते होंगे इसके अंदर अगर कभी कोई देखे तो। बाकी ये मतलब ये फल ऐसा ज्यादा टाइम रख नहीं सकते ना, शायद इसलिए इसकी बिक्री नहीं होती होगी, कोई लेके जाता नहीं होगा, इतनी मेहनत लगती है तोड़ने में, और एक दिन तो क्या 5-4 घंटे से ज़्यादा निकल नहीं सकती, ख़राब हो जाएगी, इसलिए शायद दुकानों पे नहीं मिलती। बाकी टेस्टी बहुत है। टाइम हो चुका जी 6:02, सूर्य देवता धीरे धीरे छिपते जा रहे हैं, और हमारा सफ़र पठानकोट तक का रह चुका है अभी लगभग 25 से 30 किलोमीटर, और अभी हमने निकाला। ओ भाई देखा भाई, जब बिल्कुल पास आ गए तभी ये बाइक निकालने लग गए। तो अभी हमारा पठानकोट तक का सफ़र रह चुका है लगभग यहाँ से, हाँ 25-30 किलोमीटर, और हमने डिसाइड किया लगभग अभी तक निकाला है हमने सफ़र 50-60 किलोमीटर निकाल, हाँ 50-55 निकाल दिया, 10-12 किलोमीटर निकाल के फिर स्टे ढूंढ लेंगे। अभी हमारा यहाँ से सफ़र रह चुका है लगभग कितना रह गया मनी, 5-6 किलोमीटर नहीं पठानकोट 25 रह चुका, बट हम पठानकोट पहुंच नहीं पाएंगे ना, लेट हो गया, सूर्य देवता भी डलते जा रहे। टाइम कितना हो गया, 6:15 हो चुके, सूर्य देवता बिल्कुल नीचे जा चुके हैं, तो ज्यादा अंधेरा हो गया फिर नहीं चलेंगे। रास्ता काफी ज्यादा चलता है ना, इसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो हम रात को चल के ना रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि लाइट वगैरह नहीं होती ना, तो फिर आपको पता ही है मेन हाईवे है, तो जब तक रोशनी सूर्य देवता की तब तक चलेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे चाहे कितना पठानकोट रह जाए। अभी ना शाम का टाइम हो चुका था, हम रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं, सामने का ढाबा है, ढाबे पर ना पूछने गए बट वहाँ रहने की परमिशन नहीं मिली, तो फिर मैं वापस आ गया। वापस आते ही ना भाई हमें मिले परमिंदर भाई साहब, पाजी बड़ा बड़ा मेहरबानी पाजी, यहाँ से निकले थे दोबारा फिर वापस आए हैं देख कर हमें, और भैया पाजी के साथ है। नाम की भाई युवराज सिंह है भाई, आने वाले टाइम की युवराज सिंह है, ठीक है। अच्छा लगा भाई मिलके, तो ठीक है भाजी जो इजाजत। टाइम हो चुका 6:45 के करीब का, चलते चलते ब्यास रिवर आ गया, बट रुकने की व्यवस्था अभी तक कोई हो नहीं सकी, तो कोई ना आगे जाके हो जाएगी। फिलहाल आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। तो जी साइकिल इधर खड़ी कर दिया, अब विस्तार से दिखाते हैं रेलवे ब्रिज, और ये इधर का खूबसूरत नज़ारा है ब्यास रिवर के अंदर ना। फिलहाल अभी पानी आ गई थोड़ा थोड़ा है, ये सारी गेहूं है इसमें, और सारी गेहूं ना पानी की वजह से इस बार बारिश ज़्यादा हुई ना ख़राब हो चुके। एक भैंस उधर गेहूं खा रही है भाई, वो सामने दिखाई दे रही होगी। ओके भाजी, ओके भाई, हाँ जी कर लो भी अगे आगे कर लो, हाँ ना ना कोई नहीं सी कर लाँगे। ओके जटू ठीक है, ओके भाजी ठीक है। तो भैया जी वापस चले जा रहे हैं, अब आगे जाकर कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे हम, आपको पता ही है। और ऐसा कोई खूबसूरत नज़ारा उधर ना पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है मौसम साफ होने की वजह से, वो शायद हिमाचल की पहाड़ियाँ हैं ऊपरली तरह, आपको फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रही होंगी, इतनी दूर से दिखाई नहीं देती, हमें दिखाई दे रही है। तो ये ऐसा कुछ खूबसूरत माहौल है, पिछली बार भी हम दोनों मैं और मनी यहाँ रुके थे तब भी ये खूबसूरत नज़ारा दिखाया था, पर उस टाइम कुछ और टाइम था, गर्मियाँ ज़्यादा थी, कुछ भी फसल नहीं थी इसमें, और आगे गन्ने की खेती भी इसके अंदर ही हो रखी है। ठीक है फिलहाल आगे चलते हैं, कोई रुकने की व्यवस्था करते हैं, लेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, और सफ़र भी आज हमने 60-70 किलोमीटर निकाल ही देना है ऐसे करते करते धीरे धीरे चलते चलते। तो जी सामने रुकने की व्यवस्था दिख रही है, तो हम यहाँ से कोई रास्ता तो यानी कट वगैरह है नहीं, यहाँ से साइकिल ना नीचे उतार के फिर वापस इधर से जाएंगे, आगे कट है उससे फिर इधर आएंगे। तो ठीक है फिलहाल अभी साइकिल को धीरे धीरे उतारते हैं नीचे की तरफ। टेस्टिंग होगी अपने पंजाब के अंदर चोरी होती है या नहीं होती, अगर तो चोरी होगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, अगर चोरी ना हुई तो हम खुशहाल हो जाएंगे। ये किसी को बताना मत, 4-0 है भाई सभी को बता दिया, सभी को बता के बोल रहा है। लो जी इधर ताला लगा दिया, अब कोई टेंशन नहीं, कोई साइकिल लेके जाएगा ना तो एकदम से परला भी गिरेगा पता लग जाएगा।
लो जी ढाबे के पास नहाने की व्यवस्था हो चुकी है। नहा लिया, खाना खा लिया अच्छे तरीके से। खाना खाने के बाद कैंप में आ चुके हैं और अपना बिस्तर वगैरह लग चुका, आराम से लेटे हुए हैं और अभी सोने की तैयारी है भाई, फुल बाय फुल, क्योंकि आज काफ़ी थक चुके हैं। आज 70-71 किलोमीटर का सफ़र निकाल दिया, जबकि हम 50 के आसपास निकालते थे, तो आज थकावट थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो आज की वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कल हम जाएंगे जी मिनी गोवा। यहाँ पठानकोट से 25 किलोमीटर आगे है मिनी गोवा, इधर का काफ़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पर जाके कैंपिंग करेंगे, खाना वगैरह खुद बनाएंगे भाई, मस्त वाला मज़ा आएगा। कल रुकेंगे वहाँ पर और शायद परसों भी रुक सकते हैं, पक्का नहीं कह सकते। तो आज का सफ़र यहीं तक था, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।